ग्रीन कलर का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ शहरे धोराजी से 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है ईश्वरिया और यहाँ पर एक अल्लाह के कामिल वली आराम फरमा रहे हैं। आपका नाम है हजरत जीवन सा पीर रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों ये जगह के क्या कहने हैं। दोस्तों यहाँ जो मैंने आपको कल वीडियो में बताया कि कल्ब का सुकून, दोस्तों इस जगह पर कल्ब का सुकून मिलने वाली जगह है। दोस्तों ये दरबार पूरा अलग दरबार है क्योंकि दोस्तों पूरे इर्द गिर्द पानी है और पानी के बीच में मज़ार पाक है और यहाँ पर एक झरना भी है। तो दोस्तों यहाँ का मंज़र पूरा अलग है। इंशाल्लाह आपको कभी मौका मिले तो शहरे धोराजी से 15 किलोमीटर दूर ये मज़ार पाक है ईश्वरिया गाँव के अंदर, ज़रूर हाजिरी देना। और दोस्तों मैं आपका वक्त ना लेते हुए आपको मज़ार पाक की ज़्यारत कराता हूँ, उसके बाद कुछ अच्छी बातें करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु या शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों तो ये है मज़ार पाक हजरत जीवन सा पीर रहमतुल्लाह अलैह की। और आज मैं अपने सारे दोस्तों का सलाम पेश करता हूँ हजरत जीवन सा पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और इंशाअल्लाह इनके सदके तुफेल से आपके सारे बिगड़े काम हो जाए और आपकी दुनिया भी सुधर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। दोस्तों तो ये है मज़ार पाक हजरत जीवन सा पीर रहमतुल्लाह अलैह की। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर हाजिरी देना। और दोस्तों अल्लाह के वलियों की शान ही कुछ अलग होती है। कहां कहां आप आराम फरमा रहे होते इसके पीछे अल्लाह की कुछ ना कुछ मसलक होती है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको एक ख़ास बात कहना चाहूँगा।
दोस्तों, सदका दिया करें। सदका देने से माल बढ़ता है। अल्लाह का वादा है कि मैं तुम पर कभी कर्ज नहीं रखूंगा। दोस्तों, हम सदका देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा माल बढ़ेगा ही, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ने वादा किया है कि मैं आपका कर्ज आप पे नहीं रखूंगा। और इसके पीछे बहुत सारी मिसालें, मैं एक मिसाल आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि दोस्तों आपकी जेब में अगरचे 100 रुपये है तो आप सोचोगे कि 100 रुपये को मैं घर में रख दूँ कहीं कोने में, मुझे कल काम आएंगे। पर दोस्तों इसमें से आप 10 रुपये सदका कर दो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़रूरियात 60 रुपये ही कर देगा। अगरचे आप ये सोचोगे कि ये 100 रुपये का मेड़ तोड़ना नहीं है, मुझे 100 रुपये ही रखने हैं, तो आपकी ज़रूरियात 120 रुपये हो जाएगी। दोस्तों ये अल्लाह की हिकमत है दोस्तों। तो हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। दोस्तों सदका एक ऐसी चीज़ है कि जो मौत को भी टाल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों हमें ख़ास सदका देना चाहिए। और 1 का 10 मिलता है दोस्तों। हम 100 रुपये सदका करेंगे इंशाअल्लाह, हमको अल्लाह 1000 रुपये करके लौटाएगा दोस्तों। तो हमें ख़ास सदका करना चाहिए दोस्तों। मौला अली फरमाते हैं कि आप रोटी की तलाश में निकलो तो चंद रुपये अल्लाह की राह में दिया करो। दोस्तों इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आप अपने घर पे कभी खाली नहीं लौटोगे। तो दोस्तों हमें इन बातों का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अल्लाह की राह में माल देने से हमारी माल में कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सदका किया करें और अल्लाह की राह में दिया करें। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह के घर पर जाओ और अल्लाह वालों के दर पर जाओ, और ख़ुद भी नमाज़ पढ़े और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाए। दोस्तों रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। मेरे दोस्त असलम को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना, और आपके दोस्त इमरान को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।